गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और सुबह का टाइम है, झमाझम बारिश हो रही है और डॉक्टर आध्यास होकर उठ के आ चुके हैं। दक्ष की हालत अभी थोड़ी सी अनबनी सी है, धीरे धीरे वो ठीक हो रहा है। तो बस अभी मैं आ गई हूँ कपड़े तय लगाने। ये काफी ज्यादा कपड़े हो गए थे धुलने के लिए, तो मैंने कुछ धुले थे तो वो सूख गए थे, और बाकी के अभी सूखे नहीं है तो उनको भी मैंने अंदर हॉल में डोरी लगाकर डाल रखे हैं। और ये काफी देर की क्लिप है क्योंकि मैं आध्या अदक दोनों को नहला चुकी हूँ, उनको नाश्ता करा चुकी हूँ। आध्या भी तैयार है एकदम बढ़िया। आज आध्या स्कूल नहीं गई है, कारण यही है कि आज बारिश बहुत तेज हो रही थी और इसलिए मैंने आध्या को आज स्कूल नहीं भेजा। मेरे हस्बैंड स्कूल गए हुए हैं रेनकोट पहनकर, क्योंकि उनको तो जाना ही था। बच्चे की एक बार कर देती हूँ लेकिन टीचर्स की नहीं हो सकती है, वो गवर्नमेंट टीचर है तो वो स्कूल गए हुए हैं और आध्या नहीं गई है। मैं सोच रही हूँ सही नहीं गई क्योंकि सारा दिन बारिश हुई और उसे लेने कौन जाता है। तो जब भी मैं कपड़े तय लगाती हूँ या कुछ काम ऐसा कर रही होती हूँ, सब्जी काटने वाला या कुछ भी, तो ये मेरे पास जरूर आके बैठती है। और छोटे छोटे जो कपड़े होते हैं वो बोल देती है कि मम्मी आप मत तय करना, मैं ही तय लगाऊंगी इनको, तो मैं अभी छोड़ देती हूँ। तो ऐसे छोटे छोटे काम वो करती रहती है, और इससे ये रहता है कि बच्चे अपनी चीजों को अच्छे से रखना सीखते हैं, और घर में जब बड़े काम कर रहे होते हैं तो थोड़ा बहुत हेल्प कराना भी सीखते हैं। नहीं तो फिर बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, वो अपने में ही खेल कूद में लगे रहते हैं, वो कभी भी ध्यान नहीं देते हैं कि उनकी मम्मा क्या कर रही है, उनके घर में जो बड़े हैं वो क्या काम कर रहे हैं और वो कैसे कर रहे हैं। फिर वो चीज उनको सीखने में करने में मतलब बहुत चिड़चिड़ी होती है। तो वो देखो अपने कपड़े रखने गई है और यहाँ दक्ष आ गया है साइकिल लेकर, और अभी मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि मुझे बनाना है आज लंच में कढ़ी। बहुत दिन से सोच रही थी कढ़ी बनाने के लिए। तो कढ़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है बेसन, और उसमें थोड़ी सी हल्दी और नमक डाल के पानी डाल के अच्छे से फेंट लूंगी। जितना अच्छा आप इसे फेंटेंगे और घुमाते हुए, टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन आपकी जो पकौड़ियाँ हैं बहुत ही सॉफ्ट फ्लफी बन के तैयार होंगी। मार्केट में जब हम लोग कुछ खाने जाते हैं ऐसी कोई चीज़ें, तो वो लोग खाने में सोडा ज़रूर डालते हैं, लेकिन जब हम लोग घर में बनाते हैं ना तो इतनी थोड़ी मेहनत कर लेते हैं ना, जिसकी वजह से वो बिना सोडा की ही बहुत ज़्यादा फ्लफी बनती हैं, बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होती हैं। तो जब भी हम कढ़ी बनाते हैं तो हम लोग ये सोचते हैं कि कढ़ी तभी बनाई जाए जब घर में कोई सब्जी ना हो। कुछ ऐसा ही हाल मेरा भी है, आज घर पे ना सब्जी नहीं है तो मैं सोचा चलो कढ़ी बनाते हैं। और जब हल्का हल्का जुकाम होता है ना तो पतली पतली कढ़ी पीने से जुकाम ठीक हो जाता है। वैसे तो दही मठा ये सारी चीज़ें जुकाम वगैरह में खांसी में बहुत नुकसान करती हैं, लेकिन देखो ना जब कढ़ी बनती है ना पतली पतली सी, उसे पीने से जुकाम सही होता है, ऐसा मैंने सुना है और माना भी है। आप लोग बताइए कितना सही कितना गलत है। तो आप देख सकते हो तो आज मैंने कुछ ज़्यादा ही पकौड़ियाँ बना ली हैं, और जैसे ही पकौड़ियाँ सीख गई थी ना तो बच्चों ने भी आधी पकौड़ी खा ली थी, मैंने कढ़ी में आधी पकौड़ी डाली थी। आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ आपको भी बीच में दक्ष और आध्या की आवाज़ सुनने को मिलेगी, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है हमारे यहाँ का। और जब देर रात जल्दी खाना बन जाता है और फिर देर रात हो जाती है मुझे काम करने में, तो मैं सोचती हूँ चलो थोड़ा सा आने देते हैं आवाज़ और मैं अपनी वॉइस ओवर कर लेती हूँ, नहीं तो मुझे 12 से 1 बज ही जाता है ये काम करने में। खैर मैंने आज सोचा चलो आज ही अभी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो मठा है उसमें बेसन डाल के मिक्सी में घुमाया है पतला करके, उससे क्या होता है लम्स नहीं रहते हैं और कढ़ी एकदम बढ़िया बनती है। और उसके बाद मैंने सरसों के तेल में हींग और थोड़ा सा राई और मेथी दाना और ये सूखी लाल मिर्च तोड़ के डाल दी है। अब उसके बाद हल्दी डाल देंगे और उसके बाद चलाते चलाते हुए इसमें मठा डाल देंगे जो मैंने घोल के रखा हुआ है, मठा और बेसन।
अब इसको तब तक चलाते रहना जब तक एक अच्छा सा खोल ना आने लगे। जब खोलने लगती है कढ़ी तब आपका फटने का डर होता है वो ख़त्म हो जाता है। बस उसके बाद पकौड़ियाँ डाल दीजिएगा। बस आधी पकौड़ियाँ बची थी तो मैंने वो डाल दी। लाइट भी बहुत नखरे ले रही थी तो चली गई थी, बीच बीच में आ रही थी तो जा रही थी, जिस वजह से आपको थोड़ा सा मतलब हर एक चीज़ में अप डाउन सा दिखेगा, देख सकते हो। मैंने इसमें ना थोड़ी सी बूंदी भी डाल दी है, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी ट्राई करना, बूंदी भी डाल देना। और कढ़ी जब बन गई तब मैंने इसमें नमक डाला है। नमक डालना बाद में ही, क्योंकि अगर पहले डाल देते हैं ना तो थोड़ा सा डर रहता है कढ़ी का। तो बस साथ में मैंने चावल चढ़ाने के लिए रख दिए हैं और मैं यहाँ आ गई हूँ बर्तन धुलने के लिए। काफ़ी बर्तन हो जाते हैं सुबह नाश्ते से लेकर अभी तक की। और आप देख सकते हो उधर हॉल में टेबल पे एक भगोना रखा हुआ है, उस पर छन्नी रखी हुई है। तो दूध वाले भैया के आने का इंतज़ार है, जैसे ही वो आ जाएंगे तो हम दूध ले लेंगे। और यहाँ पे जितने भी बर्तन हैं सारे धुल दे रही हूँ, उसके बाद इत्मीनान से बैठ के खाना खाएंगे। तबीयत थोड़ी सी ठीक हो या ना हो, घर के काम तो करना पड़ता है। बस इसी टाइम पे ही अपनी परिवार और फैमिली बहुत याद आती है कि बच्चे को संभालने के लिए कोई होना चाहिए। लेकिन क्या कर सकते हैं, सब चीज़ें सबको नहीं मिल पाती हैं। और ऐसा नहीं है कि हमको मिलना नहीं, मिलेंगी ही नहीं या फिर मिल नहीं रही हैं। ऐसा है कि जैसे कि हमारे परिवार वाले हैं, मेरे घर ससुर सब लोग, उनको यहाँ कम अच्छा लगता है। मम्मी आई थी रहने के लिए, कुछ दिन रह के गई, फिर वो चली गई। लेकिन जितने दिन रही मुझे ऐसा लगा उनका मन नहीं लगा, उनका मन वहीं लगा रहता है। तो बस अभी मैंने यहाँ पे खाना लगा लिया है अपना और बच्चों का। थोड़ा ज़्यादा ही चावल रखे क्योंकि हम, मैं और दक्ष आद्या सब लोग खाएंगे। और बस यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपने कुछ सूट वगैरह करने के लिए, वो करने के बाद और सारे कपड़े वगैरह तय लगा के रख रही हूँ, क्योंकि ये भी मेरा एक काम है। एक डेड लाइन दी जाती है हम लोगों को, एक डेट दी जाती है कि इस डेट पे जो है वो वीडियोस देने होते हैं, जिसकी वजह से मुझे अपने काम करने पड़ते हैं और मुझे अच्छा लगता है अपना काम करना। फिर अपना सारा काम निपटाने के बाद अभी मैं आ गई हूँ प्रेस करने के लिए। काफ़ी टाइम भी हो गया है, शाम का टाइम हो रहा है। मैं प्रेस करने के लिए बैठ गई थी, कुछ कपड़े इनके रह गए थे, मैंने कुछ अपने कर लिए थे, कुछ बच्चों के भी निपटा लिए थे। तो मैं सोचा चलो आज मैं इनके भी थोड़े से बचे वो सारे निपटा के रख देती हूँ। ये भी एक काम रहता है। मैंने इनसे बोल दिया था कि प्रेस सही नहीं था तो आप एक काम करो प्रेस करने के लिए बाहर डाल दो। फिर इन्होंने बोला ठीक है डाल देंगे, लेकिन बारिश होने की वजह से ये जा नहीं पाए और जिसकी वजह से मुझे प्रेस फिर घर में ही करना पड़ा। ये दीदी रहती नीचे उनका प्रेस लेकर, और यहाँ पे आद्या थोड़ा सा मेरा सूट कर रही थी। उसके बाद उसने आपसे भी बहुत सारी बातें की हैं, आप सुनिएगा उसने क्या क्या बातें की। फ्रेंड नमस्ते, कैसे आप सब? तो आज मैं स्कूल क्यों नहीं गई बताती हूँ, क्योंकि बारिश हो रही थी और मम्मी प्रेस कर रही है। देखो प्रेस तो कर रही है तो मेरा भाई टीवी देख रहा है और मैं मेरी कह रही मम्मी मुझे होमवर्क ही करा दो, आज टीचर लगती वहाँ भी बनने लगती हूँ और कुछ और करा दो, मेरे एग्जाम आने वाले हैं तो मुझे पढ़ना ही जाना है, क्या करूँ। पढ़ना तो फ्रेंड जरूरी होता है, आपको भी तो होता है, आप भी तो स्कूल जाते हो। तो मैं आपको करूँगी बाय बाय, सामने मिलूँगी। यहाँ पर दक्ष और आध्या दोनों आए थे। ये देखो दक्ष ओट इसलिए ऐसे बना के दिखा रहा है क्योंकि इसने लिप बाम लगा रखी है और दिखा रहा है मम्मा मैं लगा कर आया हूँ, अब साफ कर रहा है। ये ऐसी हरकतें करता ही रहता है और जुखाम से भी ये परेशान ही है। कड़ी खाकर आज बहुत अच्छा लगा। ये गाड़ी अंदर कौन लाया है, कौन लाया है आप बताओ, ये कौन लेकर आया अंदर बताओ, आप बताओ ना, बताओ बुई का बुई बुई, ये बुआ को बुई बोलता है। हाय गाइस, तो अभी शाम के 8:30 बज रहे हैं, आलू बल्ले के लिए रखे हैं बहुत सोचने के बाद। मौसम आज बहुत अच्छा है, मतलब आज मौसम आलू की टिकी आ गई। मौसम इसलिए अच्छा है कि आज सुबह से अभी तक बारिश हो ही रही है, बंद ही नहीं हुई है, एक ही लाइट जल रही थी, मैं थोड़ा जला आलू लाइट वगैरह रोशनी हो जाए। तो आज ना बहुत अच्छा मौसम है, कल से ही है, आज तो ये मतलब बारिश बंद ही नहीं हुई है। और सही किया मैंने आज आद्या को स्कूल ना भेज कर, नहीं तो मैं तो लेने नहीं जा पाती बिल्कुल भी। तो बस आलू बल्ले रख दिए हैं और आलू बल जाएंगे तो हम आलू के पराठे बना के खाएंगे। दही रखा है वो मैं खाने में इस्तेमाल करूँगी, बाकी का दही जो थोड़ा सा बचाया है उसको दही जमाने के लिए डाल दूँगी, तो ताज़ा दही कल के लिए फिर तैयार हो जाएगा। सो गाइस, लास्ट में रात में मैंने आलू के पराठे ही अपने लिए बनाए, इनके लिए सादा पराठे बनाए थे क्योंकि ये कह रहे थे मुझे आलू के पराठे नहीं खाने हैं।
तो बस इस आलू के पराठे के साथ में मेरा ये दिन है वो बीता है पूरा रेनी डे का। आप लोगों के यहाँ बारिश हो रही है या नहीं मुझे बताना। और ये रहा आलू का पराठा, दही आ जाइए आप लोग हमारे साथ डिनर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।